जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया है कि मैं परिवार नियोजन की स्थायी और अस्थायी सभी विधियों के बारे में आपको विस्तार से एक एक कर बताऊंगी। छाया गोली के बारे में तो मैं बता चुकी हूँ और आप देख भी चुके हैं। इसके बाद आती है इंजेक्शन अंतरा। अंतरा इंजेक्शन जो है वो भी बहुत ही सुरक्षित है। ये हार्मोनल इंजेक्शन है, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन इसमें होता है, जिसके कारण ये इंजेक्शन यूज़ करने के बाद कुछ महिलाओं की, कुछ क्या लगभग सबों की, ये मेंस जो होती है वो बंद हो जाती है और ब्लीडिंग बंद होने के बाद वो सोचने लगती हैं कि कहीं गर्भवती तो नहीं हो गई। तो मैं उनके लिए बता दूं कि यदि एक दो इंजेक्शन लेने के बाद यदि उनका मासिक पूरी तरह से रुक जाता है तो कोई घबराने की बात नहीं है। यह उनके गर्भावस्था या गर्भवती होने की पहचान नहीं, बल्कि इंजेक्शन ने अपना काम किया उसका यह पहचान है कि मासिक रुक जाएगा। मासिक रुकने से शरीर में कुछ और परिवर्तन होते हैं, जिसके फलस्वरूप उनका वेट बढ़ता है। वजन बढ़ने से उनकी सेहत भी अच्छी होती है और वे, उनके चेहरे पर एक रौनक सी आ जाती है जो उनके लिए काफ़ी फायदेमंद है और वो उसके उससे बहुत खुश होती हैं। अब तक मैं खुद एक साल में लगभग 50 लोगों को इंजेक्शन लगा चुकी हूँ और इसके साइड इफ़ेक्ट बहुत कम लोगों में देखे गए हैं कि पूरे माह ब्लीडिंग होती है हल्का हल्का, और यदि हल्का हल्का ब्लीडिंग है, ड्रॉपलाइट अगर है, तो बूंद बूंद जो वो ब्लीडिंग होता है वह मासिक बंद होने की प्रक्रिया है। किसी किसी में यह धीरे धीरे होती है, इसलिए ब्लीडिंग बूंद बूंद कर पूरे माह तक होते रह जाता है। तो वह भी कोई घबराने की बात नहीं है, वह भी धीरे धीरे एक से दो इंजेक्शन या तीसरे इंजेक्शन लेने तक में मासिक पूरी तरह से बंद हो जाता है। अब है कि किसी किसी में ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा होने लगता है, तो यदि बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो तो डॉक्टर से सलाह लेकर आप इसे बंद भी कर सकते हैं। लेकिन ऐसा किसी किसी में देखा गया, आमतौर पर देखा जाता है कि लोग डर के मारे उपाय को अपनाना ही छोड़ देते हैं। हम अस्थायी विधि के लिए इसलिए सलाह देते हैं क्योंकि दो बच्चों में अंतराल होना बहुत ही आवश्यक है। दो बच्चों के बीच कम से कम 3 साल का अंतराल होना माँ और बच्चे एवं परिवार के लिए भी बहुत ही उपयोगी और अच्छा होता है। इससे माँ का सेहत अच्छा बना रहता है, शिशु की देखभाल अच्छी प्रकार हो पाती है और वो परिवार के लिए इस तरह अच्छा है क्योंकि परिवार की देखभाल भी वो अच्छी तरह से कर पाती है, समय दे पाती है। इन विधियों के को अपनाने में लोगों को काफ़ी भ्रम होता है कि फलाने के साथ ऐसा हो गया, कहीं मेरे साथ भी हो जाए। तो मैं आपको एक बात बता दूं कि हम सड़क पे रोज चलते हैं और अक्सर किसी न किसी की दुर्घटना की खबर सुनते हैं, तो क्या हमने सड़क पर चलना छोड़ दिया? या सड़क पर चलने से क्या सभी दुर्घटनाग्रस्त होते हैं? ऐसा नहीं होता। उसी प्रकार यदि किसी भी विधि को हम अपनाते हैं और हमारे शरीर को अगर वह सुटेबल नहीं होता, वह उसे एक्सेप्ट नहीं कर पाता, तो कुछ प्रभाव देखे गए हैं, विपरीत प्रभाव देखे गए हैं। तो इस डर से हमें ऐसा नहीं करना चाहिए कि हम किसी भी विधि को ना अपनाएं, बल्कि ज़्यादा से ज़्यादा अपनाएं। यदि वह आपके शरीर को सुटेबल हुआ तो आप उसे आगे जारी रखेंगे, यदि नहीं हुआ तो आप उसे छोड़कर दूसरी विधि भी अपना सकते हैं। इस प्रकार ये जो इंजेक्शन है, मैं जब भी किसी को लगाती हूँ तो पूरी तरह से जांच परख और उन्हें सारी विपरीत जो भी इसके प्रतिकूल प्रभाव होते हैं उसके बारे में जानकारी दे दी जाती है। फिर भी यदि किसी को कोई शंका हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और मैं उसका जवाब देने की पूरी तरह से प्रयास करूंगी।